तमिलनाडु आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों आज हम शब्द भेद के अंतर्गत ही हमने पिछली बार पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का वर्गीकरण, अब हम इस बार पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शब्द का जो वर्गीकरण किया जाता है चार प्रकार से किया जाता है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और उसके ग्रामर के हिसाब से। तो अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, अर्थ के आधार पर हम शब्द का वर्गीकरण चार प्रकार से करते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब इनकी परिभाषाएं क्या क्या है, यानी इनको हम परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, यानी एक ही अर्थ निकलता है, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, जैसे दिल्ली एक ही अर्थ है, लंदन, इंदिरा गांधी, पर्टिकुलर इंदिरा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनका एक ही अर्थ है। ये आखिरी जो शब्द होते हैं ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इस वर्ग के अंत में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं, यानी एकार्थी जो शब्द होते हैं उनमें अधिकांश जो शब्द होते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के होते हैं। दूसरा जो अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी, चूंकि उसके नाम से पता चलता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे तो वहां पर वह अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तीर एक शब्द है, अब तीर शब्द का अर्थ क्या होता है, बाण भी तीर कहलाता है और किनारा ये भी तीर कहलाता है। दूसरा देखो बच्चों शब्द अर्थ है, अर्थ धन को भी अर्थ कहा जाता है और मतलब को भी अर्थ कहा जाता है। तीसरा इसी प्रकार से शब्द है कनक, कनक का सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, धतूरा भगवान महादेव के चढ़ाया जाने वाला एक प्रकार का फूल होता है। कुल, कुल का अर्थ क्या होता है, कुल का अर्थ वंश भी होता है बच्चों, और कुल का अर्थ होता है सारा जोड़। इस प्रकार से बच्चों अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। तीसरा जो भेद है वो है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक एक जैसे समान अर्थ होते हैं, जैसे ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, लगभग समान होता है या फिर समान होता है वो पर्यायवाची शब्द, या समान अर्थी जिनका अर्थ समान होता है ऐसे शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश एक शब्द है और गगन, नभ, आसमान ये भी तीनों ही आकाश के शब्द कहलाते हैं, इन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों देखो रात, रात एक शब्द है और इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, रजनी, निशा और रात्रि। इसी प्रकार से शब्द है हाथी, हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है, नगज, नाम, हस्ती, ये सारे इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। इसी प्रकार से आग है बच्चों, अग्नि, पावक, अनल, ये सभी इसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। अब बच्चों इस प्रकार से चौथा जो भेद है शब्द भेद का, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, जो शब्द एक दूसरे के परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टे अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हुई इस प्रकार से बच्चों की, परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, इसका विपरीत अर्थ क्या हुआ, प्रकाश। इसी प्रकार से मित्र, शत्रु, अमृत, विष, जीवन, मरण,